दिक्कत और कठिनाइयाँ जो है कह रहे भैया कि हम झेल करके आए, दो तीन दिन लग गया। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी जो है पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देख ही लिया होगा एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ और आगे का स्टोरी जो है आप खुद देख लो। ये रहे आंटी जी। आंटी जी नमस्ते। हाँ, और ये अंकल जी नमस्ते, और राजा भाई इधर हैं। तो अभी जो है ना इधर अंकल जी भी वो तोड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं आपके इधर? कैसे अंकल जी नमस्ते। अच्छा, क्या तोड़ रहे हैं आप? ऐसा मक्का है। मक्का, ठीक ठीक है। अच्छा अंकल जी, आप कैसे हो पहले? ठीक है। आंटी जी आप? ठीक है बेटा। अच्छा, खाना पीना हो गया आपका? हाँ बेटा हो गया। राजा भैया आपका? अंकल जी आपका भी हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आज जो है मैं इनके सामने थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ अलग से हो जाए। अच्छा राजा भैया, आप करो ना, आपके स्टाइल में कैसे कर रहे हैं एक बार? मेरे स्टाइल में देखिए, मेरा तो फैमिली ब्लॉग होता है भाई जो है। जैसा कि आपने ब्लॉग पार्ट बाई पार्ट देखा होगा, तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी दूर है। मैं खुद सोच रहा था कि मैं उत्तराखंड में जाऊं, वहां भी मुझे जो ब्लॉग करना है कवर। आप आइए ना, बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। और जैसे ही हमारे यहाँ आए, बहुत सारा दिक्कत और कठिनाइयाँ जो है कह रहे भैया कि हम झेल करके आए, दो तीन दिन लग गया भैया को आने में। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भाई को सपोर्ट कीजिए, और आ गए हैं तो चलिए इनका स्वागत तो किए ही हैं, बैठे हैं यहाँ पर अगर उस टाइम से, और इंटरव्यू लिया इन्होंने, बात भी किया। और कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा, खास करके आप लोग सब से मिल के। हमारा समस्तीपुर कैसा है? समस्तीपुर मतलब जैसे बोलते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा है, और खास करके यहाँ की लोकेलिटी। बिल्कुल। यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग तो अच्छे, क्यों नहीं? आप लोग ऐसा नहीं, जो हम लोग रहते हैं समस्तीपुर बिहार में, हम लोग बिहारी आदमी हैं। अच्छा, बिहारी हो या कोई इंसान, तो है जन्म हुआ है उस मिट्टी में, हमको तो अच्छा लगना है, सुगंध है। लेकिन आप अपना बताइए, जो हमारे देश कैसा लग रहा है? नहीं, देश का, देश एक ही मम्मी द्वारा गाँव से कैसा लग रहा है? जैसे एक लड़का आया था तो बोला हमको कचरा लगता है। अच्छा, उसको कचरा लगता है तो उसका क्या? अच्छे ऐसे तो गलत है ना? नहीं नहीं, बुराई नहीं करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बिहार में भी लोग हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ तो अलग के लोग भी हमको चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अलग स्टेट के लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या ब्लॉगिंग करते हैं ना? हाँ जी, ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ भाई, जैसे बता रहे थे कि हम भारत को भ्रमण कर चुके हैं, कई सारे 21 स्टेट आप घूम चुके हैं। 28 यानी समझिए पूरा कंप्लीट ही कर चुके हैं। इंडिया का जो नक्शा है जैसे देखोगे आप, और अगर आपको सीरीज देखना तो एक एक करके आप देख सकते हैं। राइट राइट। और सबसे मस्त मज़ा ये आया मेरे को कि मैंने पूरा इंडिया में पूरा अपनी लाइफ एकदम फ्रीडम जी है। अच्छा आंटी जी, आपसे एक बात पूछ रहे हैं, राजा भैया इतना जल्दी फेमस हो गए, इससे क्या राज है? बोले ना, बोले ना, कुछ तो बोले। राजा भाई इतना फेमस हो गए बेटा, जो कहा जाता है, जो सोता है सो खोता है, जो जगता है सो पाता है। वो तो है, सही बात है। अंकल जी आप कुछ बोले ना कि इतना जल्दी भैया फेमस हो गया इसका? जल्दी कहने में आता है, इनको 10 बरस न्यूट्रल लगा है संघर्ष करने में, तब जाके आज इस मकाम पे चले हैं। जैसे मेरा जर्नी से बता रहे हैं, जैसे मैं एक्टिंग विक्टिंग किया करता था। अच्छा, वो टिकटॉक वो सब, ये सब सब करते करते ठोकरे खाते हुए सारा कुछ, थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। अभी ऐसा है राजा भाई को, अभी खाना जो अभी खाते हैं तो आप देखते होंगे अपना अथी में, जो मोबाइल के साथ जो खाना भी खा रहे हैं, तो इनको छुट्टी नहीं मिलता है खाना खाने का। हम इनको खाना लेकर के ठहरा रहते हैं, जो बाबू खाना खा लो, दूध भी बेकार हो जाता है, खाना भी बेकार हो जाता है, इनको नींद हराम होता है। जिस घर ये मेहनत से छूटता है, थोड़ा सा नींद आ जाता है, तो खाना उना छोड़ करके अपना सो जाता है। सब बेटा मेहनती के ऊपर होता है। एक्चुअली मम्मी ये बोल रहे हैं कि डेली व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉग को रोज एडिट करना और शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, इसलिए खाना पीना भी पता ही नहीं चलता कब खाएं। रात में रोज रोज मम्मी दूध लाती गर्म करके रख देती है, और दूध भूल जाते हैं पिए, फिर सवेरे मम्मी को खिलाना पड़ता है। अच्छा, वो ये कौन चीज था? वो बिस्किट जो था वाला, वो क्या था? नहीं खाते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, यही ना कहते हो जो अपना ब्लॉग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसी तरह बेटा आप भी मेहनत करो, आप भी निकल जाइएगा, देखा करो। ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज है, सही मायने में सारे व्यूवर्स को, मैं जो आपको देख रहे हैं वो एक रियल लाइफ से आप जोड़ो, ठीक है, रियलिटी फेस करो आप, क्योंकि जहाँ हम चल रहे हैं ये
कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, घर में खाना बन रहा है, ये सब ब्लॉगिंग हुआ सब, ठीक है, जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ था। तो इनको भी सपोर्ट कीजिए भाई को, काफ़ी दूर से आए हुए हैं और दो तीन वीडियो तो बनाए हैं, इनका चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच। आप बोल दीजिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बोल दीजिए बाय बाय बेटा, आप भी बोल दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है चलिए।